हे गाइस, हेलो। सो गाइस, आप सोचोगे कि मैंने टाइटल डाला था उदयपुर टू मुंबई और मैं यहाँ से बीच में कहाँ पे आ गया। तो गाइस, ये पार्ट जो था मैं वीडियो के आखिर में डालने वाला था, लेकिन कैसे होता है कि यूजुअली ना आप एंड तक देखते नहीं हो, तो ये पार्ट आप मिस करोगे। इसके लिए मैंने सोचा मैं वीडियो के ये पहले डालता हूँ और उसके बाद आप वीडियो देख सकते। ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ ये आपको थैंक यू बोलने के लिए, आपने बहुत अच्छी तरह से मेरे उदयपुर वाली सीरीज को सपोर्ट किया। इनफैक्ट उसमें काफी सारे डिस्कनेक्ट थे, मतलब आप अगर देखोगे तो मैं जब भी मुंबई से निकला तो सीधा मैंने पालघर में शुरू किया, समवेयर इन पालघर बिकॉज बारिश हो रही थी। उसके बाद मैं सीधा वापी में मिला और वापी के बाद सीधा वडोदरा, वडोदरा का मैं क्लोजिंग भी नहीं दिया, फिर दूसरे दिन ओपनिंग किया। तो काफी सारे डिस्कनेक्ट भी थे, मतलब ये जो उदयपुर वाला राइड था मैंने जिद पे किया था। मतलब पिछले कितनी ही बार मैं उदयपुर जाने की मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से ये मेरी ट्रिप कैंसिल हो रही थी। मतलब इनफैक्ट लास्ट टाइम मैं जब उज्जैन गया तो उदयपुर का प्लान था और मैं पहुंच गया उज्जैन। चलो कोई नहीं, उज्जैन भी देख लिया हमने, लेकिन मैं दिमाग में सोच रहा था अरे यार ये उदयपुर क्यों नहीं हो रहा है। तो इस बार जब मेरे फ्रेंड्स उदयपुर निकले थे तो मैं दो दिन के बाद में निकला, मतलब इनफैक्ट आफ्टरनून में निकला, क्योंकि वो जिद पकड़ी थी मैंने कि भाई उदयपुर जाना ही जाना है, भले वहां पे मैं कितना एक दिन रहा और रिटर्न आया, बट उदयपुर जाना था। जिस ढंग से आपने सपोर्ट किया तो आपको थैंक यू बोलना जरूरी था। तो अभी शुरू होती है हमारी उदयपुर टू मुंबई राइड। ये राइड मैंने 14 घंटे में की, 5:15 बजे में निकला उदयपुर से, शाम को 7:15 बजे में घर पे पहुंचा, मतलब 14 आवर्स में विद ब्रेक्स। तो काफी फास्ट रही मेरी राइड, इनफैक्ट ये मेरा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था एक दिन में, अराउंड 710 या 715 कुछ किया था मैंने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस, इससे ज्यादा डिस्टेंस काटने के लिए बहुत जल्दी हमारे पास एक नई मशीन आ सकती है। तो चलो, प्लीज ज्वाइन मी फॉर माय राइड फ्रॉम उदयपुर टू मुंबई। आखिर तक देखिए, प्लीज कट मत कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए, शोइंग 709 किलोमीटर्स। और बोला ना, अभी ऐसा दिमाग है ना पूरा खुल गया चाय की सिप मारते ही। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं वापी। गाइस आप देख सकते हो ट्रैफिक, ये है घोड़बंदर ब्रिज वाली ट्रैफिक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अभी हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। आज हमारी घर वापसी है। आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी राइडिंग पैंट्स पहने हैं, सिर्फ राइडिंग जैकेट पहनना है। काशी पे मैंने पूरा लगेज लोड कर दिया है और अभी बस हेलमेट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं और फिर निकलते हैं सफर के लिए। तो बने रहिए सफर में मेरे साथ। तो गाइस, हमने मैप लगा दिया घर का, शोइंग 709 किलोमीटर्स और कुछ 13 घंटे 23 मिनट दिखा रहे हैं, अभी देखते हैं। तो ऑलरेडी निकलते निकलते 5:10 हो चुके हैं, 5:07 हो चुके हैं। चलो अभी गणपति बाप्पा का नाम लेके निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, अभी रोहन भाई, अनिकेत, सोहेल भाई और मैं, हम लोग निकल रहे हैं और आनंद और क्षितिज उन लोग आ रहे हैं, उन लोग भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो हम लोग अभी किसी के लिए रुक नहीं रहे, रास्ते में मिलेंगे जिधर भी मिलते हैं। तो चलो, गणपति बाप्पा मौर्या मंगल मूर्ति, मौर्या बोलो अम्बे माते की जय, हर हर महादेव। तब ये रोहन भाई की गाड़ी को ल्यूब हो रहा है, मैंने भी ऑलरेडी ल्यूब कर दिया है काशी को। यूजुअली मैं 350 to 400 किलोमीटर्स में एक बार मैं ल्यूब करता हूँ। तो गाइस, कोशिश तो ये है कि सुबह सुबह की जो अभी ट्रैफिक नहीं होती है उसमें हम निकल जाएं। लंबा सफ़र भी है, इनफैक्ट ये मेरी सबसे लंबी राइड होगी, 710 किलोमीटर। वैसे मैंने 650 की है पहले, बट ये बहुत टाइम के बाद अभी मैं इतना लंबा राइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए टू बी ऑन अ सेफर साइड हम जल्दी निकले हैं ताकि घर पहुंच सके। जितना उजाला है उसमें अगर हम कवर करते हैं डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा है। तो चलो, अंधेरा है, कुछ दिखा नहीं सकते अभी, उजाला होने के बाद हम आपसे मिलते हैं फिर से। थोड़ा सा उजाला हो चुका है और हमने अराउंड 65 किलोमीटर्स किया, तो सोच रहे हैं पहले चाय पीते हैं फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि चाय अगर मिली है सुबह तो थोड़ा दिमाग अच्छा रहता है। सो गाइस, चाय पी रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त चाय है। और बोला ना, अभी ऐसा दिमाग है ना पूरा खुल गया चाय की सिप मारते ही।
रात को करीब 11:30 बजे सोए और सुबह 3:30 बजे मैं उठ गया, मतलब हार्डली कुछ नींद हुई है। और कल पूरा दिन घूम रहे थे तो पूरा थक गए थे। तो अभी ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स तो हमने किए, 65 किलोमीटर्स किए सॉरी। यहाँ से अभी जाते हैं नाश्ते करने के लिए, सोच रहे हैं वडोदरा पहुँचे, नॉट श्योर, अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलो मिलते हैं। सो गाइस अभी हम शहद से राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। देखिए सीमा समाप्त राजस्थान, तो बार बार राजस्थान एंड अभी हम एंटर कर रहे हैं गुजरात। तो अभी ये गुजरात में हम आ चुके हैं। 107 और 5 होते हैं, 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे में हमने 175 किलोमीटर्स किए। बराबर 5:15 बजे निकले थे, 8:15 हो रहे हैं। अभी यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर सीधा लंच के लिए रुकेंगे। 2000 years later. ब्रेकफास्ट हो चुका है, ज़्यादा नहीं, मैंने एक ऑनियन उत्तपा खाया, दूसरा कुछ था नहीं यहाँ पे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग पराठा वगैरह या पूरी भाजी, लेकिन वो नहीं था तो इसीलिए ऑनियन उत्तपा खाया। तो अभी चलते हैं, वैसे रोड पे कुछ दिखाने के लिए है नहीं, प्लेन रोड है, नज़ारे वाला भी नहीं है कि मैं कैमरा स्टार्ट करूं। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से। अभी सोच रहे हैं कि अगला ब्रेक सीधा वडोदरा जाके रुक ले, उसके पहले नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो ही बराबर घर पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। सो गाइस पिछले एक डेढ़ किलोमीटर से हम ऐसे ही चल रहे हैं। आप देख सकते हो रोड की हालत क्या है, ब्रिज रेडी नहीं है, ब्रिज का काम चल रहा है और नीचे का रोड का हालत ये है, इतने गड्ढों में पटक पटक के बम का दम निकल गया। 2000 years later. पता नहीं और कितनी देर ऐसे जाना पड़ेगा, धूल मिट्टी भी बहुत है इसकी वजह से। शहर से इसके आगे अच्छा रोड है। अरे यार ये कुत्ते, ये बहुत डेंजरस है। आनंद इज 32, वडोदरा इज, यहाँ पे लिखा नहीं है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाईवे, अभी हम टॉप टॉप जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी एकदम स्ट्रेट रोड है, कहीं लेफ्ट ना राइट लेना है और ये रोड हमें घर तक ले जाएगा। मज़ा आया। हम रुके हैं यहाँ पे लंच के लिए। 350 किलोमीटर्स हमने कवर किए हैं और अभी हम सूरत से 100 किलोमीटर पहले हैं। एग्जैक्टली मुझे लोकेशन मालूम नहीं है जगह का नाम, तो चलो जाते हैं, थोड़ा ठंडा होते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है। सो गाइस खाना हो चुका है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से और टाइम बज रहा है, कितने बज रहे हैं, तो 1:15 हो रहा है, 1:15। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है घर पे जाने के लिए। अभी भी अराउंड 360 किलोमीटर्स बाकी है हमारे टू थाने, मतलब मेरे घर तलक। तो चलो फिर मिलते हैं रास्ते में, तब तक के लिए बने रहिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वापी और शाम के 5 बज गए। यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर है हमारा घर और
बस और 1-1.5 घंटा हमको उजाला मिलेगा, उसके बाद अंधेरा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके पहले जितनी दूर जितने नजदीक घर के पहुंच सके वो पहुंचे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। सो गाइस अभी हम ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में हम महाराष्ट्र एंटर करेंगे, इसीलिए ये सब ट्रक्स यहाँ पे खड़े हैं। शायद से उनका कुछ पेपर वर्क वगैरह रहेगा, लेकिन हमको कोई टेंशन नहीं, हमको तो सीधा एंटर करना है। अलासरी पुलिस स्टेशन नाकाबंदी। ओके हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में, तो बोलो जय महाराष्ट्र। यहाँ से और 120 से 130 किलोमीटर घर रहेगा हमारा। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में वापस आपसे। गाइस आप देख सकते हो चांद डूब रहा है, शाम हो चुकी है और हमारा घर भी नजदीक आ रहा है। और अराउंड 80 किलोमीटर रहेगा, तो देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। मेरा टारगेट एक ही है कि भाई उजाले में जितने नजदीक घर पहुंच सकूं उतना पहुंचूं। खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, पूरा ट्रक उतर गया रोड से और ऊपर से इस पे थे लोखंड के पत्थर जो कितने डेंजरस है। उम्मीद करते हैं किसी को लगा नहीं होगा इसमें। तो अभी एक छोटा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ मजबूत जाम दिख रहा है। हमारा घर यहाँ से सिर्फ 68 किलोमीटर है और गूगल बता रहा है 2 घंटे लगेंगे। अभी पता नहीं क्यों 2 घंटे लगेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ है। गाइस आप देख सकते हो ट्रैफिक, ये है घोड़बंदर ब्रिज वाली ट्रैफिक। पिछले 2 किलोमीटर से ये ऐसे ही चल रही है कट टू कट। लेफ्ट साइड का रास्ता पूरा ख़राब है, हमने तो ऑफ रोड करते करते यहाँ तक पहुँचे, बट दूसरी गाड़ी अगर रहेगी तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ कहीं ना कहीं आके हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि फिर कोई रास्ता नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ चाहे वहाँ रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ओहो ऐसे कुछ करते करते हम यहाँ पे पहुँचे हैं, फिर भी ट्रैफिक है। बस एक बार ब्रिज क्रॉस कर लूँ फिर लेफ्ट मारूँगा थानी के लिए, वहाँ पे भी ट्रैफिक रहेगा नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से तो निकलूँ। वाइजर बंद कर देता हूँ क्योंकि धूल बहुत उड़ रही है, मुंह में जा रही है। ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट मारा और मैं ये बोल रहा था ना थाने के लिए ये ट्रैफिक रहेगी, देखो यहीं से शुरू हो गई है। इसीलिए हमको 68 किलोमीटर्स के लिए 2 घंटे दिखा रहा था बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन हम भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेते हैं, लेफ्ट राइट करके निकल रहे हैं, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक कमेंट ज़रूर डालना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।